क्या एक नेता को धार्मिक होना जरूरी है और कट्टर धार्मिक सोच रखना किसी भी लीडर के लिए कामयाबी का क्या रास्ता हो सकता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि दुनिया के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि उनका नेता उनके धर्म का हो, और क्या कुछ के सर्वे रिपोर्ट में है वो आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जो धर्म से ऊपर उठकर विकास के लिए अपना नेता चुनते हैं। तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे इस वीडियो के जरिए। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। कि डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री का लीडर होने के प्रतीक्षा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए थी। लोगों का कहना था कि नरेंद्र मोदी किसी एक मजहब के नहीं बल्कि पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा करने से परहेज करना चाहिए था। लेकिन खैर, अब आते हैं सर्वे रिपोर्ट पर। दरअसल अमेरिका की एक संस्था जिसका नाम है प्यू रिसर्च ने सर्वे करके ये बताया है कि दुनिया भर के कई देश और उन देशों में रहने वाले वोटर्स ये चाहते हैं कि उनका नेता उनके धर्म का हो, यानी वोट देने का पैमाना सिर्फ इतना कि उस नेता का धर्म हमारे धर्म से मैच करता हो। सर्वे दिखाता है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग ऐसे नेताओं को पसंद कर रहे हैं जो खुद कट्टर धार्मिक या अपने धर्म के लिए मुखर होकर खड़े होते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे ने ये दिखाया है कि कई देशों के लोग अपने नेताओं के धार्मिक गुणों के बारे में क्या सोचते हैं। ये सर्वे जनवरी से मई 2024 के बीच 35 कंट्री में 53,000 से ज्यादा लोगों के बीच में किया गया। सर्वे में जो बात सामने आई उससे पता चलता है कि पसंद कर रहे हैं जो धर्म के मामले में सख्त होते हैं, भले ही उनके अपने धार्मिक विश्वास मजबूत हो या फिर ना हो। ऐसे उन देशों में ज्यादा देखा गया है जहां इलेक्शन में धर्म की बुनियाद पर आबादी का ज्यादा असर रहता है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो इंडोनेशिया में 94% एडल्ट्स के लिए धर्म उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और 86% इंडोनेशियाई लोगों का मानना है कि उनके प्रेसिडेंट के पास उन्हीं के मजहब का अकीदा होना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान में भी 81% एडल्ट्स का ये मानना है कि उनके नेता का उनकी धार्मिक सोच से मेल खाना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये आंकड़ा इस बात पर जोर देता है कि सोशली और सियासी लिहाज से बैलेंस बनाए रखने के लिए एक धर्म होना जरूरी हो गया है। भारत में 81% व्यक्ति का ये मानना है कि नेता उन्हीं के धर्म का होना चाहिए। इसी तरह बांग्लादेश में हर 10 में से 9 लोग भी ऐसा मानते हैं, और इसके उलट सिंगापुर में ये नजरिया कम है। यहाँ केवल 36% वयस्क मानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री को उन्हीं के धर्म का होना चाहिए। बाकी के 64% लोगों के लिए प्रधानमंत्री का धर्म किसी भी तरह से मायने नहीं रखता। वहीं स्वीडन में तो केवल 12% वयस्क ही ऐसा चाहते हैं कि उनका लीडर उनके धर्म वाला हो। सर्वे ये भी दिखाता है कि जो लोग अपने जीवन में धर्म को बहुत अहम मानते हैं वो अपने नेताओं में धार्मिक मूल्यों को ज्यादा तरजीह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुर्की में ज्यादातर धार्मिक लोगों में से 86% वयस्क ये मानते हैं कि उनके राष्ट्रपति को उनके धार्मिक विश्वासों के लिए खड़ा होना चाहिए। इसके मुकाबले में उन तुर्कों के बीच ये आंकड़ा सिर्फ 45% है जिनके लिए धर्म कम अहमियत रखता है। किसी एक मजहब के लिए खड़े होने वाले नेताओं पर जोर केवल हिंदुस्तान और इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश और फिलीपींस में भी लगभग 90% वयस्क इस सोच की हिमायत करते हैं। इन देशों में जहां आबादी बहुत ज्यादा धार्मिक है वहां नेता को धर्म का रक्षक माना जाता है, भले ही उनके निजी विचार उनके वोटर से अलग क्यों ना। अब बात करते हैं अफ्रीका में लोगों का क्या कहना है। इंडोनेशिया और फिलीपींस में 86% लोग कहते हैं कि उनके नेता को धार्मिक होना चाहिए, और इसी तरह सर्वे किए गए सभी 4 अफ्रीका के देशों यानी घाना, केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में 70% या उससे ज्यादा नेताओं का ये मानना है कि नेतृत्व में मजबूत धार्मिक कट्टरता जरूरी है। मुसलमानों का मजहब के लिए क्या कुछ नजरिया है वो भी आपको बताते हैं। मुसलमानों में भी आमतौर पर अपने नेताओं में मजहबी अकीदे को तरजीह दी जाती है, हालांकि अलग राय मुसलमानों में भी है। अगर गौर किया जाए तो केवल 30% इजरायली मुसलमान मानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री के पास मजबूत मजहबी अकीदा होना चाहिए, भले ही वो उनके अपने धर्म से अलग क्यों ना। वहीं गौर करने वाली बात यह भी है कि कट्टर धार्मिक नेता की अहमियत हर जगह नहीं है।
वहीं सर्वे पर एजुकेशन, आइडियोलॉजी और एज का असर भी साफ नजर आता है। कई देशों में खासे पढ़े लिखे अडल्ट अपने नेताओं के धार्मिक सोच को कम प्रायोरिटी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रीस में कम एजुकेशन हासिल करने वाले 38% वयस्क ये मानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री को उनके धार्मिक विश्वासों के लिए खड़ा होना चाहिए, जबकि कम पढ़े लिखे लोगों में इसका प्रतिशत 49% है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट ये साफ हो गया है कि हिंदुस्तान दिया वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए, उससे इस बात का भी अंदाजा यूं ही लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास है कि धर्म के लिए खुलकर अपने विचारों को दुनिया के सामने रखना ही जीत की कुंजी है। फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। नमस्कार।